अगले 90 सेकंड में अपने गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए, ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूं। क्या आपको पता है कि आपके इमोशंस सिर्फ 90 सेकंड तक जीवित रह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप ब्रश करते समय आपका दिमाग आपके गुस्से को बाहर फेंक सकता है। अगर आप बिना सोचे सिर्फ ब्रश करने की क्रिया पे ध्यान दें, तो 2006 में डॉक्टर जिल बॉल्टी टेलर ने अपनी एक इनसाइट पब्लिश की, द 90 सेकंड रोल। आइए जानते हैं इस इनसाइट का मतलब। जब इंसान किसी चीज को रिएक्ट करता है, तब अपने शरीर में 90 सेकंड की केमिकल प्रक्रिया होती है। उसके बाद किसी भी व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया, उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति अगर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम अपने इमोशंस को बायोकेमिकल इवेंट्स के रूप में समझने लगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि क्रोध का हमारा अनुभव मन और शरीर के बीच एक प्रतिक्रिया के लूप में है। मान लीजिए कि एक कोवर्कर आपकी आलोचना करता है, स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आएगा ही, पर हम उन क्रोधित विचारों की आग में और तेल डालते जाते हैं अपने गुस्से को जीवित रखकर। जैसे हम अपने विचारों से क्रोध को तीव्र कर सकते हैं, वैसे ही हम उसी को शांत भी कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप अपने क्रोध और विचारों में दूरी बना लें। क्रोधित विचारों की चेन को तोड़कर हम गुस्से पर काबू पा सकते हैं। बेशक ये दृष्टिकोण एक जादुई दवा नहीं है। कभी कभी आपकी गुस्से को ठंडा होने में अधिक समय लगेगा, लेकिन 90 सेकंड के भीतर अगर हम अपने क्रोधित अनुभव में अधिक विचार नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी भावनाएं शांत हो सकती है। तो आप इसे खुद ही आजमा सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, तो आप इस 90 सेकंड के सत्र को सुने और अपने गुस्से को शांत करें। मुझे उम्मीद है कि अब से आप अपने गुस्से पर ध्यान देंगे। आपको अगले सत्र में मिलते हैं, जहां हम सहानुभूति और कृतज्ञता के बारे में बात करेंगे।